बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया की तरफ से एक न्यूज़ जो है वो चलाई गई है, और ये बोल न्यूज़ जो है पाकिस्तान, उन्होंने भी चलाई थी, और मुख्तलिफ जो पेपर है उन्होंने भी छपी थी, इंटरनेशनल पेपर जो है। और आप लोग को बताओ कि जो मुख्तलिफ न्यूज़ है उन्होंने ये छापी थी। आप लोग को बताओ कि सऊदी अरेबिया के जो रूल्स है वो इस साल थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि ज़्यादातर जो है रूल जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं हज करने, और जो पोस्ट कोविड का एक हज है वो पिछले साल तो बड़ी ज़बरदस्त किया था, और इस साल भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कोई राउंड अबाउट 3 मिलियन प्लस जो है वो लोग जा रहे हैं। तो आप लोग को बताओ कि अगर कोई भी बंदा, यानी सऊदी अरेबिया कह रहे कि कोई भी बंदा हमारे रूल्स तोड़ेगा तो उनको जो है जुर्माना भी किया जा सकता है, उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, उनको हज से भी रोका जा सकता है, और मुख्तलिफ सज़ाएँ जो है मुख्तलिफ रूल्स के लिए रखी गई है, और वो रखी इसलिए गई है ताकि जो हज के मनासिक है उनको आसान से आसान किया जाए। आप लोग को बताओ कि जो मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं उनमें 10,000 रियाल का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, और उस बंदे को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यानी कोई भी बंदा 2 जून से, यानी 2 जून से 20 जून तक जो भी रूल्स तोड़ेगा तो उस मुनासिबत से उनको सज़ा दी जाएगी। उसमें 10,000 रियाल का जुर्माना भी है, उसमें डिपोर्ट करना भी है, उसमें दोनों भी सज़ाएँ शामिल है, उसमें प्रिजन भी है यानी क़ैद भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को बताओ कि वहाँ पर जाकर बड़ी जो है उनकी रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए, और तहम्मल के साथ अपने इबादत करें, और वहाँ पर जाकर जो है उनकी जो रूल्स है उनका एहतराम करें, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो और हज के मनासिक जो है वो आसान से आसान तर जो है हो जाए आप लोग के लिए। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो जो ये सब कर रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उनकी रूल्स का एहतराम करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ होगी, और हमारी दुआएं भी यही है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ जो है अल्लाह ताला फरमाए, और हज 2024 जो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान होगा, हमारे लिए भी वहाँ जाकर दुआएं करें।